तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाई तुलसी देवई प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवतई नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को जथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग श्रवण करेंगे श्री प्रभुपाद उपदशामृत है। कहते श्री प्रभुपाद को भक्तों ने अलग अलग समय पर अलग अलग उन्होंने प्रश्न किया और प्रभुपाद ने उसको उत्तर दिया है। कहते ये प्रभुपाद कौन है? कहते ये राधा रानी की ये नयन मणि मंजरी। राधा रानी की जो कृपा है ये साक्षात श्रील प्रभुपाद रूप में जगत में आए। बोले राधा रानी इनको भेजा ही क्यों? बोले इसलिए भेजे जब राधा रानी दयालु बड़ी कृपालु एक तरह से वो जगत का माँ है। जैसे माँ कभी बच्चों का दुख नहीं देख सकती है इसलिए राधा रानी जब देखा जगत में जितने जीव बड़े दुख कष्ट पा रहे हैं कृष्ण के विमुख होकर के तब राधा रानी ने कृपा करके अपना कृपा को ही इसी जगत में श्रील प्रभुपाद रूप में जगत में उन्होंने भेजा है। अगर प्रभुपाद का ये उपदेश को हम ग्रहण करेंगे प्रभुपाद आए किस लिए? बोले हमको अपना घर में ले जाने के लिए आए। अगर हम उनकी उपदेश को श्रवण करेंगे तो एक दिन हम भी भगवान की सेवा में लग सकते हैं और अपना घर में हम वापस जा सकते हैं। इसलिए हम एक दो प्रश्न और उत्तर हम सुन लेते हैं। इसलिए प्रभुपाद को किसने प्रश्न किया है? जीव का वास्तव मंगल कब होता है? जगत में तो बहुत सब चीज़ को हम मंगल 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 कहते हैं। जैसे हमें अच्छी नौकरी मिल गया, अच्छी स्त्री मिल गई, परिवार मिल गया, बढ़िया मकान मिल गया, हम भी उसको मंगल कहते हैं। लेकिन उनका प्रश्न है हैं जीव का वास्तव मंगल कब होता है? तो इसका उत्तर में प्रभुपाद कहते हैं बोले वास्तव सत्य तखन ही अमादेर कराय तो है जखन ही अमरा श्री गुरुपाद पद्म आश्रय करी गुरु है कृष्ण सेवा के जीवन करी। कहते वास्तव सत्य तभी हमारे हाथ की हाथ का मुट्ठी में तभी आता है। बोले किस समय? बोले जब हम जीवन में सद्गुरु का चरण आश्रय ग्रहण करते हैं तभी हमें वास्तव जो सत्य है तभी हमें पता चलता है। लेकिन उसको पहले वास्तव सत्य पता चलता नहीं इसलिए उनका नाम गुरु। गुरु मतलब क्या है? कहते गुकार अंधकारत्वात
रुकार तस्य निरोधक, जो हमारे जीवन की जो अज्ञान को दूर करके वास्तव ज्ञान हमें जो प्रदान करते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, चक्षुदान दिलाजई जन्मे जन्मे गुरु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। इसलिए गुरुदेव हमें क्या देते हैं, जो वास्तव जो ज्ञान है गुरुदेव ही हमें प्रदान करते हैं। इसलिए कहते हैं चक्षुदान दिलाजई, जिसने हमें चक्षु दिया, बोले चक्षु तो हमें पहले ही था, तो गुरुदेव क्या चक्षु दिया है, हैं? लेकिन नहीं, वास्तव रूप में गुरुदेव ही हमें चक्षु देते हैं। बोले कैसे, कहते सत क्या और असत क्या है ये गुरुदेव ही हमें बताया करते हैं। कहते ना असत्य रे सत्य करी मानी निताई पद पासोरिया, हैं? इसलिए असत्य रे सत्य करी मानी, हम क्या करते हैं, जो असत्य को ही हम अपना सत्य मान देते हैं, हैं? लेकिन गुरुदेव हमें क्या सिखाते हैं, सत्य वस्तु के ही गुरुदेव हमें बताते हैं, हैं? सत्य वस्तु के। एक समय गुरुदेव जब कथा सुनाया करते थे, कहते थे देखो बेटा संसार में कोई किसका है ही नहीं, ये सब मिथ्या संसार है, झूठा संसार। एक शिष्य कथा सुनने आता था, बोले गुरुदेव आप तो संसार किए नहीं, आपको क्या पता है, हैं? जगत सब झूठा, सब मतलब का संसार आप बोलते हो। तो गुरु जी ने कहा बेटा देखोगे, बोले गुरुदेव क्या दिखाओगे, बोले देख तेरे को एक मंत्र देता हूँ, आज ये मंत्र को घर में जा कर के बोलना, आज मेरा शरीर अच्छा नहीं लग रहा है, हैं? शरीर खराब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, और घर में ये भी बोल देना अगर मेरे शरीर में कुछ इधर उधर हो तो हमारे गुरु जी को थोड़ा याद करवा देना, और तुम ये मंत्र बोलते ही तुम प्राण तेरा छूट जाएगी, और ऐसे जगह पर गिरना दो पिलर का बीच में हाथ पैर फैला करके, जब तक कोई पिलर को नहीं तोड़े तब तक तुम्हारे जैसे शरीर को नहीं निकाल पाए। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो आया आ करके बोला शरीर घर में आज शरीर अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बेचैनी से अंदर से हो रहा है, लगता है मैं प्राण नहीं रहेगा। सब घर लोग इकट्ठे हो गए, पिता माता भाई बंधु बोले क्या हो गया, क्या बोले पता नहीं क्या हो रहा है, बोले अगर कुछ मेरे शरीर में इधर उधर हो तो हमारे गुरु जी को थोड़ा बुला लेना। बस गुरु जी ने जो मंत्र बोला था वो मंत्र को उसने बोलते 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 बात धड़ाम करके गिरा, बोले सब तुम सुन पाओगे कौन क्या बोल रहा है, हैं? धड़ाम करके हाथ पैर फैला करके दोनों पिलर में बीच में गिर गया, गिर गया, सबके सब रोने लग गए। मैया कहती है, पिता माता कहते मैं हम पहले हम क्यों नहीं मर गए, हम बूढ़े हो गए थे और कितना दिन चिंता रहेंगे। बच्चों ने कहा हम क्यों नहीं मर गए, पिता माता होते तो हमें खिलाते पिलाते। पत्नी बोली मैं क्यों नहीं मर गई, ये रहते तो घर का कमाई कर लेते। सब रोना धोना संसार में लगने लग गया। इतने में गुरु जी बोला था गुरु जी को याद करना, गुरु जी को बोले बुला तो गए गुरु जी को बुलाने के लिए, बोले ऐसे ऐसे तुम्हारे जो चेला वो तो शरीर छोड़ते, बोले अभी अभी तो आश्रम से गया, बोले हाँ अभी अभी तो आया, बोले मेरा शरीर बेचैन से हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे को पता नहीं, अंतिम समय थोड़ा गुरु जी को याद करा देना। गुरु जी तो सब जानते, गुरु जी भागते भागते आए और नाड़ी पकड़े तो पूरा नाड़ी बंद है, नाक में रुई लगाए तो श्वास भी बंद है, बोले तो ये गया। इतने में गुरु जी ने कहा देखो बेटा इसका प्राण वापस आ सकता है, बोले प्राण वापस आ सकता है, हमने तो कभी सुना नहीं, बोले आ सकता है लेकिन एक काम करना पड़ेगा। परिवार बोले आप जो बोलेंगे गुरुदेव हम सो करने के लिए तैयार हैं। बोलो करना क्या पड़ेगा, बोले करना एक ही है छोटी सी काम है, इसको विनिमय में किसी को प्राण देना पड़ेगा, किसको एक प्राण अगर दे दे इसको ना ये जिंदा रह जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा, लेकिन एक का प्राण खोना पड़ेगा। इतना बोलते जो रोना धोना लग रहा था ना सब एकदम चुप साइलेंट हो गए, क्यों प्राण देने का समय आ गया ना, प्राण कौन देना चाहते हैं, हैं? एकदम चुपचाप हो गए और रोना धोना सब चुप, एक एक पीछे खिसकने लग गए, हमारी बारी नहीं आ जाए प्राण देने का। गुरु जी ने बोले भैया अभी बोल रहे थे सब कुछ देने के लिए तैयारी, बोलो कौन प्राण देने के लिए, उनको पिता माता को पूछा अभी तो तुम बूढ़े हो गए हो और कितना जिंदा रहेंगे, बच्चा तो अभी जवान है प्राण दे दो। बोले गुरु जी मरने वाला व्यक्ति कभी जिंदा रहता है, वो मर गया छोड़ो, और हम कितना दिन रुके जिएंगे, थोड़ी बहुत तो अच्छा हैं बुरा चीज़ तो खाएंगे घूमेंगे फिरेंगे,
इसलिए मर गया छोड़ दो, जला दो, क्या होगा है। पिता माता प्राण देने के लिए कोई तैयार नहीं। पत्नी से पूछे, बोले तुम तो बोल रही थी हैं, क्या बोल रही थी, अगर मैं अगर मर जाती तो बच्चों को ये पाल लेते, तुम प्राण दे दो। बोले गुरुजी पिता माता का मैं एक बेटी, मैं नहीं रहेगी तो मेरे पिता माता ही मर जाएगी, इसलिए मर गए छोड़ दो ना, मर गया व्यक्ति को भी जिंदा रहता है, छोड़ दो। बच्चों को बोले, बोले अभी तो हम बच्चे हैं, बड़े होंगे, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, हमारे पूरा जिंदगी पड़ा हुआ, कोई देने के लिए तैयार नहीं। गुरुजी ने बोले प्राण क्या मैं दे दूँ, बोले हाँ गुरुदेव आपका तो कोई आगे पीछे कोई है ही नहीं है, इसलिए आप ही प्राण दे दो हैं, परोपकार करनी चाहिए, आप ही प्राण दे दो। इतने में गुरुजी उसका छाती पर हाथ रखे और मंत्र पढ़ते ही दोबारा जिंदा हो गया हैं। लेकिन उसको बीच में गुरुदेव ने बोला था, बोले देखो इसका शरीर को निकालने के लिए दो पिलर को बीच में तो फंसा हुआ, ये दो पिलर काटना पड़ेगा। पत्नी बोली पिलर काट देगा तो फिर कितना, फिर इसको कौन बनाएगा, तो मर गया कौन इसको बनाएगा, पिलर की उसका हाथ पैर काट कर निकाल दो ना। वो इतना बड़ा लिया तलवार, वो तो सुन रहा था सारी बात, वो तो मरा ही नहीं, तलवार ले आया, बोले हाथ पैर काट कर, बोले भगवान मेरा हाथ पैर काट नहीं ले, मैं तो जिंदा ही हूँ मरा ही नहीं। इतने में गुरुदेव जब छाती पर हाथ रखे तब प्राण आ गया, और आकर गुरुदेव चलने लगे, उसको पीछे पीछे चलने लग गया। इतने में उनका परिवार बोले पीछे पीछे भागे, बोले बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, पति कहाँ जा रहे हो। बोले पहले तो मैं सोच रहा था सब मेरे को बड़े प्रेम करते हैं, बड़े प्यार करते हैं, बट अभी सारी बात को मैं सुन रहा था, इससे पता चला मेरे को कोई प्राण, मैं तो कोई प्यार नहीं कर रही, वो तो अपना प्राण की सबको पड़ी है हैं, ये तो कोई प्यार नहीं कर रही, इसलिए अभी तो मेरा गुरुदेव ने मेरे को दिव्य चक्षु प्रदान कर दिया। गुरुदेव पहले ही बोलते थे ये संसार में कोई किसी का है ही नहीं, मैं तो मानता नहीं था, इसलिए भैया मेरे को जिसने प्राण दिया मैं तो उनके साथ में जा रहा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि जिस समय हम गुरु जी की चरण में आश्रय लेते हैं उस समय क्या होता है, कहते उसी समय में वास्तव सत्य जो चीज़ हमें ये चीज़ पता चलता है संसार क्या है, इसलिए उनका नाम गुरु है। मतलब क्या करते हैं, हमारे हृदय के अज्ञान को अंधकार को छोड़ करके जो हमें दिव्य ज्ञान को जो प्रदान करते हैं, इसलिए कहते चक्षुदान दिला जई जन्मे जन्मे प्रभु सही, जन्मे जन्मे गुरु सही। इसलिए बोले चक्षुर उन्मिलितम जेन तस्मय श्री गुरुव नमः। गुरु जो है हमारे आँख को खोल देते, सत्य असत्य को दिखा देते हैं, सत्य क्या और जगत में असत्य क्या है, और उसको ज्ञान को पा करके जीव क्या करता है, फिर भगवान के भजन में लग जाता है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं हाँ, जिस समय हम गुरु जी के चरण में आश्रय ग्रहण करते हैं तभी हमें वास्तव सत्य पता चलता है, और वास्तव सत्य हमारे आयत में तभी आता है। गुरुर हाय कृष्ण सेवा के जीवन करी, तो क्या करना पड़ेगा, गुरु के हो करके हमें कृष्ण सेवा को अपना जीवन में अपनाना पड़ेगा, तभी जीविका परम मंगल होगा है। इसलिए भगवान की हमें शुद्ध रूप में भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव कौन है, कितना संसार दावा नल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घन घन तम प्राप्त कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरुश्री चरणारविंद। गुरुदेव कौन है, कहते भगवान की कृपा ही एक मूर्ति रूप धारण करते हुए संसार में हम जो धावा नल में जो दग्ध हो रहे हैं, संसार में जो दुख कष्ट को पा रहे हैं, भगवान का कृपा ही गुरु रूप में आता है और हमें क्या करता है, हमें अपना घर में पहुंचा लेते हैं, अपना घर में गुरुदेव हमें अपना घर में पहुंचा देते हैं। गुरुदेव कहते किसने, दूसरा प्रश्न करते हैं, वे कृष्ण किसका प्रार्थना सुनते हैं। इसलिए हम तो सबके सब भगवान को प्रार्थना करते, ठाकुर जी ये दो, ठाकुर जी ये कर दो, ठाकुर जी ये कर दो, ठाकुर जी ये कर दो, लेकिन कहते वास्तव रूप में हैं किसका प्रार्थना भगवान श्रवण करते हैं। लेकिन भक्त मनो ठाकुर बोले ना, षडंग शरणागति हाय वे जहार
ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। इसलिए कहते जिसको अंदर में ये छह शरणागति आ जाएगा, कहते भगवान उसकी ही प्रार्थना सुनते हैं। कहते छह शरणागति क्या है? कहते अनुकूल सह संकल्प, जो केवल जीवन में भक्ति की जो अनुकूल वस्तु को ये जीवन में ग्रहण करता है। संकल्प मतलब होता है जो एकदम पक्के नियम लेता है, वही काम ही हमें करना है जिसको द्वारा गुरु वैष्णव और भगवान संतुष्ट होएंगे, केवल वही काम को ही जीवन में करना। वह काम को हमें नहीं करना जिसको द्वारा गुरु वैष्णव भगवान जिसमें असंतुष्ट है, वो काम को हमें नहीं करना। इसको हमें संकल्प करनी चाहिए, हैं संकल्प। इसलिए प्रतिकूल से रक्षी सती थी विश्वास, भगवान हमें रक्षा करेंगे, हमारे अंदर में ये पूर्ण विश्वास रहनी चाहिए, हैं भगवान हमें रक्षा करेंगे। और गुप्त रूपते वर्णम तथा, भगवान ही हमारे पालन करता है। जब वो चिट्ठी से लेकर के हाथी को पालन करते हैं, क्या ठाकुर हमें नहीं पालन करेंगे? हमें भी ठाकुर जी संपूर्ण रूप में ठाकुर जी पालन करेंगे, लेकिन ये विश्वास कब होगा? ये विश्वास कब होगा? फिर हमारे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? वही तो पालन कर रहे हैं ना, लेकिन हमारे विश्वास क्यों हो नहीं रहा है? बोले कारण है, जिसको जो जितने शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करते हैं ना, जो जितने शुद्ध रूप में भक्ति करते हैं उसको ही उतना विश्वास है भगवान हम पाल। जैसे माधवेंद्रपुरी, वो कभी भिक्षा ही नहीं करते थे, वो अजाचक वृत्ति थी, किसी को कुछ मांगते नहीं थे, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था। क्या विश्वास था? हम तो उसका ही उसके आश्रय में हम पड़े हुए हैं, उसके आश्रय में हम पड़े हुए हैं, उनका ही नाम कीर्तन भजन दिन रात उनका ही भजन करते हैं, हैं भजन करने पर जरूर ठाकुर जी पालन करेंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते रामचरितमानस में कि प्यार करते हैं, बोले जिन्नी बाल रख राखे मेहतारी। वो एक उदाहरण देते हैं, हैं कहते जैसे पिता माता जैसे अपना बच्चे को पालन करते हैं, जैसे ये छोटा बच्चा, कहते ये क्या अपना खाने पीने का चिंता करता है? ये खाना पीने का चिंता करता है? नहीं करता है। क्यों? कारण क्या? बोले कारण है, उसको पता है मेरे पिता माता है, ये मेरे को पालन जरूर करेंगे, हैं भले ही पिता माता भोजन नहीं करे, लेकिन जब तक बच्चे को नहीं खिला देंगे पिता माता भोजन नहीं करेंगे। बच्चा अगर सो भी जाता है, बच्चा अगर सो गया, पिता माता खाएंगे जब तक बच्चे को भोजन नहीं कराएंगे, और नहीं उठने पर भी जोर जबरदस्ती उसको उठा करके खिला पिला करके ही पिता माता भोजन करेंगे। इसलिए कहते पिता माता इसको क्यों भोजन क्यों कराते हैं? कारण क्या? बोले ये शरणागति पिता माता का है, ये शरणागति पिता माता की शरण में है। इसलिए पिता माता उसको सब कुछ कपड़ा लत्ता खाना पीना पिता माता ही सोचते हैं, बच्चा कभी सोचता नहीं। बच्चा तो मस्ती में रहता है, खेलता कूदता है और अपना मस्ती में रहता है, लेकिन पिता माता उसको सब कुछ करते हैं। कहते उसी तरह हम भी जब संपूर्ण रूप में ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो जाएंगे, जरूर हमें ठाकुर जी पालन करेंगे ही। गुप्तृते वर्णम तथा, हमारे गुप्ता जो पालन करता भगवान ही। जब ये विश्वास हो जाए, हैं ये विश्वास हमें होनी चाहिए। और रक्षी सती थी विश्वास गुप्तृते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षडविध शरणागति, और भगवान के चरण में संपूर्ण रूप में शरणागत, उनके चरण में अपनी आप को संपूर्ण रूप में दे देना। इसलिए कहते हैं जब जिसको अंदर में ये छह लक्षण आ जाएगी ना, क्या कृष्ण उसकी ही प्रार्थना को कृष्ण सुनते हैं, उनकी प्रार्थना को सुनते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद क्या कहते हैं, बोले हे कृष्ण आमी अपनार निकट थके आमार निजर कौन सुख चाहिना। कहते भक्त का भावना क्या होनी चाहिए? बोले ठाकुर जी मैं आपसे अपना कोई भी सुख हम नहीं चाहते हैं। इसलिए कहते ना, न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतात भक्ति
अहेतु की तोही। ठाकुर जी हमें धन जन पुत्र परिवार हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण में तो हमारी जन्म जन्मांतर की अहेतु की अनुपायनी आपके चरण में हमें भक्ति चाहिए, इसलिए हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, अपना जा इच्छा ताहा ही हमारा शिरोधार्य। कहते आपका जो इच्छा है वही हमारी शिरोधार्य है, तुम्हारी इच्छा है मोर इच्छा विशाल, भगवान की इच्छा में ही कहते अपना इच्छा को मिला देनी चाहिए। हाँ देखो एक समय कुछ साधु लोग एक नाव में बैठ करके नदी पार कर रहे थे, नदी बड़ी लंबी चौड़ी थी, तो लंबी चौड़ी थी इतने में हाँ उसमें एक साधु उसमें था और साधारण लोग उसमें बहुत सारे थे। ठीक बीच दरिया में जब नाव पहुंच गया इतने में आंधी तूफान आ गया, इतने ज़ोर से आंधी तूफान आए और पानी छलक छलक करके तो नाव में गिर रहा था, सब लोग तो डर रहे थे नाव डूब नहीं जाए, नाव डूब जाए। उसमें जो साधु बैठा हुआ था ना वो एक जग लेकर के पानी बाहर से लेकर के ना अंदर नाव में डाल रहा था, लोग बोले तो क्या पागल हो गया है, सारे पानी अपने आप छलक छलक करके गिर रहा है नाव डूबने वाले और तू उल्टा क्या कर रहे हो पानी ला करके फिर नाव में डाल रहे हो। उसने बोले मैं तो भगवान का इच्छा में अपना इच्छा मिला रहा हूँ। बोले इच्छा की इच्छा मिला रहे हैं, जब थोड़ी दूर गई ना फिर वो आंधी तूफान शांत हो गया, शांत हो गया तो पानी फिर नाव से बाहर फेंकने लगे। बोले देखो पागल ऐसे पागल दुनिया में मिलेगा है, जब ज़रूरत था निकालने का वो भर रहा था, अभी हैं अभी भरनी चाहिए निकाल रहे, देखो कैसे। बोले मैं भगवान का इच्छा में तो इच्छा मिला रहा था। बोले कैसे, बोले हम कहते हैं ना उसके इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता, बोलते ना उसके इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है, इसलिए कहते हैं जो आंधी तूफान आया था बोले किसकी इच्छा से आया था, भगवान की इच्छा होगा तभी तो ये आंधी तूफान आया ना। मैंने देखा जब आंधी तूफान आया और पानी जब अपनी आप गिर रहा है नाव में, ये ठाकुर का इच्छा होगा इसलिए हमने क्या किया पानी को लेकर के नाव में भर रहा था, लेकिन आंधी तूफान कम हो गया, आंधी तूफान खत्म हो गया, खत्म हो गया तो मैंने सोच समझ गया भगवान की इच्छा नहीं, ये नाव डूबने का इच्छा है नहीं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं पानी को बाहर से बाहर निकाल रहा हूँ, पानी को बाहर निकाल रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते भगवान का जो इच्छा है, हम कहते ना उसका इच्छा के बगैर कुछ भी जगत में होता नहीं, इसलिए जीवन में जो कुछ आता है क्या समझनी चाहिए ये भगवान का ही ये इच्छा है, इसलिए उनको इच्छा में इच्छा मिला करके अपना शिरोधार्य मतलब भगवान की इच्छा ही सबसे बलवान है, हैं उसको इच्छा के बगैर दुनिया में कुछ नहीं होता, इसलिए जो भगवान की भजन करते हैं इसलिए जीवन में जो कुछ आता है उनका ये समझनी चाहिए जरूर इसमें भी ठाकुर का कुछ इच्छा है। कहते उनको शिरोधार्य कर लेनी चाहिए, शिरोधार्य मतलब होता है सर को नीचा करके उसको अपना जीवन में स्वीकार कर लेनी चाहिए। ताते यदि आमार कष्ट है ताहा ही आमार सुख, इसका मतलब है अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं भजन कर रहे हैं उसमें कुछ विपत्ति आ गया, कुछ इधर उधर कष्ट आ गया, क्या समझनी चाहिए ये भी ठाकुर का कुछ इच्छा है, ठाकुर का ये कुछ जीवन में इच्छा है, इसलिए तत्वनुकंपा सुस्मिक समान भुंजामि एवात्म कृतम विपाकम, इसलिए भक्त जो होते हैं वो किसी के ऊपर कोई दोष नहीं लगाते, किसके ऊपर कोई दोष नहीं लगाते, जीवन में जो कुछ आता है ये समझता है हमने जो कर्म किया है वो कर्म का फल ही मैं भोग कर रहा हूँ, इसमें किसी का दोष नहीं है। हम कभी बोलते ना अमुक की वजह से अमुक हो गया, उसने ये कर दिया उसने ये कर दिया, उसकी कोई किसके लिए कोई कुछ नहीं करते हैं, अपने जैसे बीज बोया वैसे वहाँ पर पेड़ ठीक वैसे होता है, हैं जैसे बीज बोते हैं वैसे ही उसमें वैसे ही फल होता है, इसलिए क्या कर रहे हो इसलिए बैठो जो कथा हो ना इधर उधर इतने करने चुपचाप बैठ जाए, इसलिए भगवान की इच्छा में पूरा के पूरा हमारी इच्छा को उसी में ही मिला देनी चाहिए, कोई कष्ट भी आए तो क्या समझनी चाहिए हाँ हमने कुछ ऐसे
कर्म किया होगा जिसकी वजह से कष्ट आ रहा है, हैं? और एक बात है, अब देखना जब जीवन में भक्ति करते करते सुख आए तो खुल जाते, थोड़ी दुख आए तो क्या बोलते, ठाकुर के ऊपर दोष लगाना शुरू कर देते, अरे भगवान का हमने भक्ति किया, भजन किया, ठाकुर हमारे साथ में ऐसे कर रहे हैं, ठाकुर हमारे साथ में ऐसे कर रहे हैं, भगवान ऊपर दोष लगाना शुरू कर देते। क्या देखो, जीवन में ना कोई भी अपना पुण्य को ख़त्म करना नहीं चाहते, सब सबसे पाप को ख़त्म करना चाहते, कहते ना हमारे पाप खत्म हो जाए, कोई चाहते हैं पुण्य हमारे ख़त्म हो जाए, कोई नहीं चाहते, लेकिन पाप खत्म कब होगा, दुख दे करके ही पाप खत्म होता है, सुख दे करके पुण्य खत्म होता है। इसका मतलब अगर कोई दुख आ रहा है, क्या समझनी चाहिए, हमारे दुख दूर हो रहा है, हमारे दुख दूर हो रहा है, सुख जीवन में आने वाले हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, ताते यदि हमारे कष्ट है, हैं, अगर भगवान की भक्ति करते हुए अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट आ रहा है, कहते तहा ही हमारा सुख, कहते वही हमारा सुख है। इसलिए भक्तमन ठाकुर क्या कहते हैं बोलो, बोले तुम्हार सेवाए दुख है जत सेवत परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नाशय विद्या दुख, आत्मनिवेदन तू आपद करी है नो परम सुखी। इसमें भक्तमन ठाकुर कहते बोले प्रभु, बोले आत्मनिवेदन तुआ पद करी है नो परम सुखी, तुम्हारे चरण में हम अपने आप को जब दे करके हम जीवन में तो परम सुख हमें मिल रहा है। बोले क्यों, बोले अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारे चरण, भगवान के चरण में ही अशोक है, अभय है, और जो अमृत है भगवान के चरण में ही है, और दुनिया में कहीं अशोक अभय अमृत है ही नहीं है। इसलिए अगर तुम्हारी सेवा करते हुए अगर कुछ कष्ट होता है, हैं, उसमें अगर सुख दुख आता है, वो क्या है, बोले नाशय अविद्या दुख, वो क्या करता है, हमारे जो अविद्या को दुख को ये नष्ट कर देता है। जैसे कभी कभी भगवान की जैसे कोई उत्सव आ जाता है, दिन भर सजाओ, उनके लिए प्रसाद बनाओ, उनके लिए फूल माला लाओ, उनके लिए ये करो, कभी कभी होता है ना मंदिर में, कभी कभी दिन रात सब्जियाँ बनिया करो, भगवान के लिए बनाओ, कभी 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 हो जाता है, वहाँ भगवान की सेवा के लिए किसी कारण वजह से कोई जीवन में थोड़ा दुख कष्ट आ जाता है भक्तों को, लेकिन कहते ये दुख जो आता है, बस सुख आता है, कहते ये क्या करते हैं, बोले जीवन का सारे दुख कष्ट खत्म करने वाले। बोले क्यों, बोले तुम कर रहे हो किसके लिए, बोले भगवान के लिए, ठाकुर के लिए कर रहे, ठाकुर तो अंदर में बैठे हैं ना, वो तो क्या देख नहीं रहे हैं, हम संसार का तो बहुत, संसार के लिए तो बहुत दुख कष्ट को सहन कर लेते हैं, संसार का दुख कष्ट को कुछ लाभ नहीं है, लेकिन भगवान के लिए जब कोई दुख आए, ठाकुर तो बैठ कर सब देख रहे हैं ना, वो तो देख रहे हैं सब कुछ, सब देखो दिन भर मेरे सेवा में लगा हुआ, मेरे नाम कीर्तन, मेरे पूजा सारा दिन मेरा, वो क्या देख नहीं रहे हैं ठाकुर जी, वो तो सारी चीज़ बैठ बैठ कर देख रहे हैं ना, देखो मेरे लिए मेरे भक्त कितना दुख कष्ट मेरे लिए सहन कर रहा है। इसलिए जो दुख कष्ट भजन में हैं, दुख कष्ट भजन में हैं, वो अविद्या को नष्ट करने वाले ये दुख कष्ट है। इसलिए कहते प्रभु यही हमारी शिरोधार जीव, इसलिए भगवान का सेवा में दुख हो तो हमारे सुख का कारण। बोले मंगलमय अपनार व्यवस्थाएं कौन अमंगल नाई, हम कहते ना भगवान मंगलमय हैं, हैं, मंगल भवन अमंगल हरि, इसलिए भगवान की जो व्यवस्था है उसमें कभी अमंगल नहीं होता है। इसलिए भक्त लोगों का जीवन में जो कुछ आता है सब कुछ सहन करते हुए क्या करते हैं, ठाकुर मेरे लिए जो कुछ करते हो मंगलमय, और जीवन में कभी अमंगल हमारी कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए कहते स्थाने स्थिताम श्रुतिगताम तनुवांग मनो भी जे प्राय सो अजीत जीतो अपि त्रैलोक्या, ब्रह्मा जी कहते हैं उनका नाम तो अजीत है, अजीत मतलब क्या, जिनको जितना बड़ा कठिन है पाना, लेकिन कौन उनको प्राप्त कर सकते हैं, कहते भवदीय वार्ताम भक्तों के मुखारविंद से जो भगवान की कथा कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की जो नदी बहती है उसमें गोता लगाते रहे, ठाकुर जिस अवस्था में हमें रखे उसी अवस्था को जीवन का सबसे बढ़िया समझो। कभी कोई कहते ना भजन कर, बोले
अभी भजन क्या करेंगे, अभी तो संसार का बहुत सारी कर्तव्य है ना, बच्चों को बड़ा बनाना, शादी करवाना, दुकान वकान भरना, जब पूरा रिटायर्ड लाइफ हो जाएगा ना, ये सारे काम से विराम हो जाएगा तब भजन करेंगे, अभी क्या भजन करेंगे। लेकिन उसमें कहे ब्रह्मा जी कहते, देखो तभी जीवन में तभी बढ़िया समय आएगा जब हम जीवन में भजन करेंगे, भजन किए बगैर कभी बढ़िया समय कभी नहीं आएगा। और जीवन में अभी जिस अवस्था में तुम्हारा है, हैं बोले जे अवस्था रख ले हमारा परम कल्याण होगा, ठाकुर हमें उसी अवस्था में ही रखे। अभी जो स्थिति है क्या समझनी चाहिए, ये यही स्थिति ही जीवन का सबसे बढ़िया है, और उसी अवस्था में रहते हुए क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस उसी अवस्था से भगवान की भजन करो। और जो प्रहलाद महाराज बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, बहुत बढ़िया शिक्षा देते हैं, इतने बढ़िया शिक्षा देते हैं बच्चों को कि देखो बच्चों को बोले ना भजन करने के लिए, बोले अभी क्या भजन करेंगे, अभी तो बच्चे हैं, अभी तो बच्चे, अभी क्या भजन करेंगे, बुढ़ापा में भजन करेंगे। प्रहलाद महाराज क्या कहते, बोले देखो बच्चों को कहते, बोले बताओ बच्चों, ये जगत में कोई दुख चाहता है, इसलिए कहते हैं ये जगत में कोई दुख को निमंत्रण देता है, कोई दुख को कोई बुलाता है कोई, लेकिन बिना बुलाए दुख आता है कि नहीं, बिना निमंत्रण के दुख आता है कि नहीं, आता है ना बिना निमंत्रण के दुख, अगर बगैर निमंत्रण के अगर दुख आता है, अगर हमारे भाग्य में अगर सुख होगा वो बिना निमंत्रण में आएगा कि नहीं, वो आएगा, क्योंकि दुख को जो बिना निमंत्रण आता है सुख भी बिना निमंत्रण में आएगा, जब बिना निमंत्रण की सुख आएगा फिर तुमने सारे चेष्टा, जगत में लोग जितने सारे चेष्टा करते किसके लिए करते हैं, दुख हटाओ और सुख लाओ, यही तो ना, यही तो चेष्टा करते हैं, लेकिन वो अब दुख तो अपने आप आ जाता है। तब प्रहलाद महाराज कहते न प्रयास हो, वहाँ पर कहते देखो भगवान की भजन को द्वारा जैसे तुम्हारी दुख दूर होने वाले हैं ना, जगत में और कोई उपाय नहीं जो कि तुम्हारे दुख दूर हो सकता, और कोई उपाय नहीं, इसलिए वो उदाहरण देते ना, उस सेमिनार में उदाहरण देते ना, जैसे तुम्हारी कहीं फोड़ा हो गई, जब फोड़ा होगी हम क्या कहते हैं उसको, पर अगर मलम लगाएंगे फिर क्या होगा, वो फोड़ा फिर दूसरे जगह पर निकलेगा, फिर वहाँ पर मलम लगा दो फिर क्या होगा, देखना वो फोड़ा फिर तीसरे जगह पर निकलेगा, वहाँ पर मलम लगा दो वो सही हो जाएगा फिर चौथे जगह पर निकलेगा, क्यों, उसका जड़ को देखो वो फोड़ा हो ही क्यों रहा है, फोड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा जो ब्लड है वो खराब हो गया है, अगर ब्लड को सही कर दोगे ना अपने आप सही हो जाएगा, फिर तो उसमें तुमको मलम लगाने का कोई ज़रूरत नहीं। कहते उसी तरह ये जितने सारे दुख है, ये दुख का जड़ क्या है, कि जड़ को पकड़ो ना, इसलिए कहते कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार आदि दुख, जितने दुख का कारण है हमने भगवान की भजन भगवान की भक्ति छोड़ दिया है, इसीलिए सारे दुख है, बस उनका भजन करना शुरू कर दो, भक्ति करना शुरू कर दो, अपने आप को दुख जल्दी जल जाएगा, अपने आप तुमको सुख मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं मंगलमय अपनार व्यवस्थाए कौन अमंगल नाई, भगवान मंगलमय हैं, उनकी व्यवस्था में कभी अमंगल हो ही नहीं सकता है, इसलिए जीवन में हमें जो कुछ आता है उनको इच्छा में इच्छा मिला करके भगवान की भजन करते रहो भक्ति करते रहो। कहते ए रूप भावे आंतरिक श्रद्धा विशिष्ट है लई कृष्ण तार सेवकर निवेदन ग्रहण करें न तुम्हा ग्रहण करे ना है। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं जब वास्तव रूप में हृदय से केवल ऊपर से नहीं, कहते वास्तव रूप में जब हमारे हृदय से ऐसे भावना आ जाती है जो कुछ जीवन में ठाकुर जी कर रहे हैं हमारी मंगल के लिए कर रहे हैं अच्छे के लिए करते हैं, जब ऐसे अंतर से श्रद्धा विशिष्ट श्रद्धा युक्त हो करके हैं ऐसे करता है कहते ना जीवती स मुक्ति पद दाय भाग, हम ब्रह्मा जी कहते हैं ना क्या करनी चाहिए जी साधकों को, जीवती जीवती मतलब भक्ति में स्थिर रूप में उसको रहनी चाहिए, ऐसे नहीं थोड़ी दुखों का साथ हम आला भला भजन भजन को एक तरफ में रख दिया, अपना खाना नहीं छोड़ा,
घूमना नहीं छोड़ा, सोना नहीं छोड़ा और माला ही छोड़ दिया। मतलब माला छोड़ने के लिए पहले तैयार बैठा है। ये माला कैसे हमसे छूटे, ये माला हमसे छूटे कैसे, पहले उसके लिए तैयार बैठा है। हैं नहीं, ब्रह्मा जी कहते नहीं, जो जीवती मतलब पिताजी का अथा संपत्ति है, लेकिन वो संपत्ति को जीव कब प्राप्त करेगा, जब वो भक्ति करेगा ना पिताजी का संपत्ति। वो बेटा जब जिंदा रहेगा तब तो पिता का संपत्ति मिलेगा, वो मरी गया अगर पिताजी का संपत्ति तेरे को मिलेगा नहीं। मतलब जो भक्ति हम कर रहे हैं, ये भक्ति में जब स्थिर रूप में रहेंगे फिर क्या होगा, पिताजी का सारे संपत्ति मिलेगा। वो अमृत स्वरूप है, अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय, तुम्हारे चरण में ही अशोक अभय अमृत तभी मिलेगा जब भजन करोगे ना। भजन छोड़ दोगे तो गया तुम्हारी, गया तुम्हारी सब जीवन ही गया तुम्हारी। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कहते हैं, अगर हृदय से वास्तव रूप में इसे भावना अगर हमारे आए, जीवन में जो कुछ हो रहा है वो ठाकुर का ही ये इच्छा है, अगर इसे हृदय से अगर भावना आए तो क्या होगा, कहते भगवान उसको सेवक का निवेदन ग्रहण करते हैं और उसका निवेदन को ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। नतुवा ग्रहण करे ना, कहते नहीं तो ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसे हमें बनना पड़ेगा। ठीक है, और एक सुन लेते हैं। यहाँ पर कहते हैं हमें एक जीवन में हमें सिद्धि कैसे मिलेगी, हमें एक जीवन में भगवान, हमें एक जीवन क्या भगवान हमें मिल सकते हैं क्या, किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया है। हाँ, एक जीवन में हमें भगवान मिल सकते हैं। बोले कैसे एक जीवन में भगवान कैसे मिलेंगे, बोले स्वतंत्रता परित्याग पूर्वक शरणागत होए गुरुबानुकृत्य निष्कपट भजन कर ले एक जन्म ही सिद्धि हवे। एक जीवन में हमें तभी भगवान मिल सकते हैं, कहते अपना स्वतंत्रता को हमें परित्याग देना पड़ेगा। कहते अपना स्वतंत्र को परित्याग दे करके ठाकुर जी की, गुरु जी की, ठाकुर जी के निष्कपट रूप में उनके आनुगत्य में जब हम भजन करेंगे, कहते एक जीवन में हमें भगवत प्राप्ति हमें हो जाएगा। अपना स्वतंत्रता हमें स्वतंत्रता को हमें त्याग देना पड़ेगा है। लेकिन ये जो स्वतंत्रता है ना, ये बहुत बड़ा हमारी बीमारी है। बड़ा दुख पाई आछी स्वतंत्र जीवन है, सब दुख दूर गए लो उपद वरणी। हम संसार में आए क्यों, संसार में आने का कारण क्या है, हमने स्वतंत्रता का अव्यवहार किया है। स्वतंत्रता का अव्यवहार क्या मतलब किया है, कहते अपना जो स्वतंत्र, हम जीव कौन है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान का नित्य दास, तब हमें क्या करनी चाहिए, कहते भगवान की तो दासों तो करनी चाहिए, उनके ही तो भक्ति भजन उनका ही तो करनी चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, जो अपना स्वतंत्रता जो भगवान की भक्ति, इसको हमने अपव्यवहार किया है। हम अपना है कहते ना कृष्ण के पिछने करे कृष्ण के पिछने माया पाने चाहे। हाँ, इसलिए कहते हमने क्या किया, भगवान को हमने पीछा कर दिया, ठाकुर को पीछा कर दिया और माया के तरफ में हमने बढ़ गए हैं, माया के तरफ में। इसलिए हमारे मथुरा मठ में गए हो, मथुरा मठ में कौन कौन गए, जब देखना जब गुरु जब ऊपर जाओ ना देखना, वहाँ पर छवि लगाया हुआ गुरुदेव ने, एक सुंदर छवि लगाया, कभी उस छवि को ला कर यहाँ पर लगा देना, वहाँ पर दिखाया एक तरफ माया जगत और एक तरफ में भगवान की जगत है हैं। आज इधर माया की जगत, उधर क्या दिखा रहे हैं, हिंस्र जानवर भूत पिशाच हैं, हिंस्र जानवर बड़ा भयंकर अंधकार, और जिधर माया खड़ी हुई उस तरफ में एक माया खड़ी हुई, और दूसरे तरफ में दिखाया प्रकाश प्रकाश, उधर एक साधु खड़ा हुआ, और उधर जो रोड दिखाया ना वो सीधा ठाकुर के पास में गया, भगवान के पास में, और बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, और एक तरफ इसको माया बुला रहे, बोले इधर चले आ, देखो कितना सुंदर है, कितना अच्छा है माया, कितने प्यारी है। लेकिन दूसरे तरफ में एक साधु खड़ा हुआ, साधु कहते देख तू देख रहे कि नहीं, इधर पूरा प्रकाश प्रकाश, सीधा रोड गया कहाँ पर, भगवान तक गया, तू इधर चला। एक तरफ पे साधु बुला रहे और एक तरफ पे माया बुला रही, और वो एक व्यक्ति बीच में खड़ा हुआ, कभी इधर देखता है और कभी इधर देखता है, जब इधर देखता है साधु बुलाता है, बोले इधर आ, दिख रहा है लेकिन नहीं, पूरा ये प्रकाश प्रकाश सीधा तुम भगवान के पास में जाओ, लेकिन उधर माया बुलाती, देख कितना सुंदर माया है, हाँ
तो इधर आ जा, कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है, और वो बीच में खड़ा हुआ। वो साधु कहते तेरे को दिख रहा है कि नहीं, उधर जिस तरफ माया खड़ी हुई अंधकार तेरे को दिख रहा है कि नहीं, हैं भूत पिशाच वहाँ पर हैं, वहाँ पर हिंस जानवर जंतु सब खड़े हुए दिख रहा है कि नहीं। अरे इधर दिख रहा है तो प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन इधर उधर देखते 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 कहते जो अक्सर करके जैसे हम लोग हैं छलांग कहाँ लगाए, माया में ही छलांग लगाए। इसलिए ना सुनी लू साधु कथा खाई नो अपन माथा, इसलिए हमने साधु की बात हमने नहीं सुना है, किसकी बात सुने, माया की बात सुने। और माया देखने में ऊपर में बड़ा सुंदर है, उदाहरण देते जैसे सोने का घड़े जैसे सोने का घड़ा है देखने में, लेकिन अंदर में हाथ डालोगे ना बोले जहरी जहर है, उसमें जहरी जहर, उसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन ऊपर से क्या लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, हैं। इसलिए हमने क्या किया, स्वतंत्रता अव्यवहार करने का नाते क्या हुआ, हमने ये माया में आए बास माया किया, क्या कर रहे हैं, चाबुक कोड़े लेकर के पीट रहा है। लेकिन जितना पीट रहा है ना, अब देखना संसार में माया जितना पीटता है जीव थोड़ी सी दूर होनी चाहिए, दूर नहीं होता है, और ज़्यादा उसमें ज़्यादा आसक्ति हो रहा है, संसार का सभी गाली सुनना पड़ रहा है, सभी का गाली सुनना पड़ रहा है, लेकिन जीव क्या फिर संसार छोड़ता है नहीं, देखना और ज़्यादा आसक्ति, ज़्यादा आसक्ति हो रहा है। इसलिए श्री व्यास देव जी ने देखा है, तब उन्होंने भागवत रचना क्यों किया, उन्होंने देखा कहते भक्ति जोगे न सम्यक प्रणहित अमले अपस्यम पुरुषम पूर्णंग माया चतत अपाश्रय। उन्होंने सब कुछ उन्होंने देखा कैसे पीछे माया कैसे खड़ी हुई लज्जित होकर के, और भगवान से जो जीव विमुख होते हैं माया कैसे उनको चाबू कोड़ा कैसे मार रही है, हैं माया कैसे उसको कोड़े कैसे मार रही है, लेकिन जीव कोड़े मारने पर भी छोड़ नहीं रहा है, और ज़्यादा उसमें आ सकता है, और ज़्यादा आसक्ति जो हो रहा है। फिर उन्होंने देखा जीव का ऐसे कल्याण नहीं होगा, इससे कल्याण जीव का नहीं होगा, फिर उन्होंने भागवत ग्रंथ बनाए, अगर जीव अगर भागवत का शरणागत हो जाए, भगवान की शरणागत हो, फिर तो ये माया हट सकती है, नहीं तो ये माया हटने वाले नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जीव जब स्वतंत्रता परित्याग करके गुरु वैष्णव के आनुगत्य में जब भगवान की निष्कपट होकर के भजन करेगा, अगर करेगा तो फिर जीव क्या होगा, एक जीवन में वो जीव भगवत प्राप्ति उसको सिद्धि हो सकती है, है? उसको भगवत सिद्धि हो सकती है। कहते भगवान को जानने का उपाय क्या है, हैं कहते भगवान को हम कैसे जान सकते हैं, बोले गुरुदेव श्रीमुखे भगवान कथा श्रद्धापूर्वक सुनते हवे गुरुपाद पद में प्रपति व्यतीत भगवान के जानवार अन्य कौन उपाय नहीं, जिन्हें गुरुपाद पद में शरणागत होने तिनी भगवान के जानते पारे, बोले भगवान को कौन समझ सकते हैं, कहते श्री गुरुपाद पद्म का मुखार बिंद से भगवान की कथा सुनते सुनते हैं उनके चरण में शरणागति हो करके क्या होगा, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं फिर क्या होगा, धीरे 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 फिर हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान कौन कहाँ से आए किस लिए आए। देखना हम जब मंदिर में नहीं आए उसको पहले भी तो हम कथा सुनते थे, सुनते कि नहीं, मंदिर में आने से पहले भी हम भी इधर उधर कथा सुनते थे, लेकिन क्या भगवान को जान पाते थे, वास्तव रूप में भगवान कौन, कैसे भक्ति करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ को नहीं जान पाते थे। लेकिन जब हम फिर मंदिर में आए, फिर सद्गुरु का चरणों का आश्रय ग्रहण किया, आश्रय ग्रहण करते हुए जब धीरे 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 हम सुनने लग गए, फिर हमको क्या पता चलता है, वास्तव रूप में भजन किया है, भक्ति कहते हैं किसको, हैं भक्ति की लक्षण क्या है, भक्ति का लक्षण है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति वही है अन्याभिलाषिता होकर के अपना स्वतंत्रता को परित्याग दे करके जो काम करने पर भगवान गुरु वैष्णव संतुष्ट हो, ऐसे जब हम भक्ति करेंगे वास्तव रूप में वही भक्ति। इसलिए यहाँ पर के प्रभुपाद कहते हैं जब तक हम जीव सद्गुरु चरणों का आश्रय ग्रहण करते हुए जब गुरु वैष्णव से हम कथा श्रवण नहीं करें तब तक हम भगवान को नहीं जान सकते हैं। और जो गुरु भी बहुत तरह का है, लेकिन वो गुरु जी शुद्ध वैष्णव सांप्रदायिक गुरु होनी चाहिए, है नहीं तो जैसे तैसे गुरु ग्रहण करने से
कर्मी ज्ञानी योगी गुरु ग्रहण करने से हम भगवान को नहीं जान सकते हैं। इसलिए गुरु होनी चाहिए, शुद्ध वैष्णव परंपरा युक्त गुरु होनी चाहिए, तभी हमें वास्तव वस्तु का पता चलता है। इसलिए यह कहते हैं आचार्य की करें, तब जो आचार्य वो करते हैं क्या, बोले आचार्य भगवान रे संवाद वाहक, कहते आचार्य कहते किसको, वो करते क्या, कहते जो आचार्य है वो भगवान का संवाद को गोलोक वृंदावन से ला करके हमें प्रदान करते हैं। ऐसे नहीं तुम्हारी मनमानी में जो चीज हो तुम वही चीज बोलते हो, जिसमें गीता भागवत शास्त्र में कोई संबंध नहीं, ऐसे कोई संप्रदाय है ना, आप वहाँ पर जाओ हैं, वहाँ पर जो शास्त्र भास्त्र में कुछ है ही नहीं ना, वो उल्टा पुल्टा सारे उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, हैं, जिसमें हमारे रामायण में नहीं, गीता में नहीं, भागवत में कहीं भी नहीं मिलेगा, इसलिए कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए महाप्रभु कहते थे सकल प्रमाण दिवे पुराण वचन, जब कोई बात बोलो ऐसे नहीं मैंने बोल रहा हूँ अमुक बोले, नहीं ये शास्त्र क्या कहता है, गीता क्या कहता है, रामायण क्या कहता है, भागवत क्या कहता है, ये चीज़ को बोलो है। महाप्रभु जब राय रामानंद को बोले ना, कह राय साधर निर्णय, राय रामानंद क्या बोले, स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है, बोले प्रमाण कहाँ है, प्रमाण तो बोलो कहीं शास्त्र में है ना, तुम अपने आप बोल दिया। तब उन्होंने क्या बोले, वर्णाश्रम आचार्य बतात पुरुषान परपुमान विष्णु आराध्यत पंथा नान्य तत्व सकार, हाँ बोले शास्त्र में बताओ, शास्त्र क्या बोला, तुम जो बोलते हो तुम्हारी कथा की कोई वैल्यू नहीं। इसलिए जब कोई बात बोलनी चाहिए शास्त्र का प्रमाण दे करके बोलनी चाहिए, अपना मनमानी से नहीं बोलनी चाहिए हैं। इसलिए कहते जो आचार्य है वो क्या है, भले ये भगवान के संवाद वाहक है, ये गोलोक वृंदावन से भगवान के संवाद को इसी जगत में ला करके हमें ये प्रदान करते हैं। तिनी वैकुंठ रे संवाद आमादरे काछे एणे देन, तिनी सही वैकुंठ वार्ता हैं, भगवान ने सही वैकुंठ वार्ता के आमादरे काछे ला करके देते हैं। कहते गुरु मुख विगलित सही वैकुंठ संवाद केवल मात्र सेवन मुख कर्ण द्वारा ग्रहण करते हैवे, वो जो कथा को हम श्रवण करेंगे कैसे श्रवण करेंगे, कहते भोगन मुक्ति वृत्ति नहीं, हमारे अंदर में सेवन मुखी वृत्ति होनी चाहिए, सेवा की हमारे अंदर में सेवा की भावना होनी चाहिए, भोग की भावना से नहीं, सेवा की भावना होनी चाहिए, तभी जाकर के वो चीज़ को हम ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए सेवन मुखी वृत्ति होनी चाहिए। इसलिए कहते पूर्ण शरणागत हो आचार्य कृपा सभी पावा जावे, जब हम पूर्ण रूप में गुरु वैष्णव ठाकुर के चरण में शरणागत होते हैं फिर क्या होता है, कहते उनको कृपा में सब कुछ हमें जीवन में प्राप्त हो सकता है। वैकुंठ लोगों छड़ा वैकुंठ कथा ठीक ठीक है बोलते पारे ना, कहते जैसे जो वैकुंठ से आया होगा जो वैकुंठ देखा होगा वो तो वैकुंठ का कथा हमें सुनाएगा ना, जैसे यहाँ पर उदाहरण देते हैं जैसे कलकत्ता, अभी जो कलकत्ता गया होगा जो कलकत्ता देख करके आया होगा ना वो तो बोलेगा अरे हम कलकत्ता गए थे, ये तो हम चार धाम बद्रीनाथ गए थे, देख करके आए कितना सुंदर है, हैं कितने सुंदर झरना बह रही हैं, कितना सुंदर अलका नदी बह रही हैं, ये कितना सुंदर दोनों पर्वत है, नर नारायण पर्वत कितना सुंदर, गंधमार्दन सुंदर पर्वत है, और क्या मनोरम स्थान है, हैं जो ऊपर जाओगे ना ऐसे लगेगा जैसे क्या, जैसे मेघ को छूते हुए जा रहे हो, और जैसे पूरा आकाश जैसे पूरा नीचे लग गया। अभी जो गया होगा वो जो देखा होगा वो तो फिर हमें बोलेगा ना, हमने वहाँ पर गया था कितना सुंदर है, भैया तुम भी चलो, तुम भी चलो घूम कर के आओ, बड़ा सुंदर है। इसलिए यहाँ कहते हैं इसलिए जो देखा होगा वही हमें सही सही बात को वही बता सकता है, जो देखा नहीं होगा सही सही बात को हमें बता नहीं सकते हैं। और दूसरी बात है अगर कोई देखा नहीं होगा, नहीं जो देखे हुए व्यक्ति जो बोला होगा फिर उसको बोलनी चाहिए, नहीं हमारे गुरुदेव ऐसे बोलते थे, प्रभुपाद ऐसे बोलते थे, षड़ गोस्वामी ने ऐसे बताए हैं, हमारे गुरुवर्गों ने ऐसे ऐसे बताए, फिर उनकी जो देखे हुए व्यक्ति अगर उनसे तुम अगर सुने हो फिर बता सकते हो, नहीं हमारे गुरुदेव ऐसे प्रभुपाद ऐसे बोलते थे, गुरुवर्ग ऐसे बोलते थे। इसलिए कहते जो आचार्य है वो कोई अपना मनमानी कोई बात नहीं करते हैं, शास्त्र की बात करते हैं और ये गुरु परंपरा की
बात करते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे। हाँ, और एक सुन लेते, इसमें और एक प्रश्न है, कहते सन्यासी किसको कहते हैं, सन्यासी कहते किसको है? बोले अनुख्यान हरि भजन ही प्रकृत सन्यासी, भगवत भक्तेर सन्यासी भुक्ति मुक्तिर मुक्तिर सहित, भक्तगण भोग कामना मुक्ति कामना सहित सन्यास करिया भक्ति देव चरणाश्रय करें। इसलिए कहते हैं सन्यासी किसको कहते हैं, हैं सन्यासी कहा कहा के बोले, बोले वे सन्यासी है, हम हमारे सन्यासी लोग देखते हैं उनका त्रिदंड होता है, उसमें त्रिदंड होता है, उसमें जीव दंड होता है, सन्यास मतलब होता है इसमें जो काय मन और वाक्य ये त्रिदंड, उसको दंडित करके क्या करते भगवान की सेवा में जो लगाते हैं वो असली सन्यासी है। इसलिए वो घर में रहे, वो वन में रहे, वो कहीं भी रहे, ऐसे नहीं केवल सन्यासी वही है जो केवल मंदिर में रहते, जो घर में रहते वो सन्यासी नहीं, ऐसे भी नहीं। इसलिए घर में रहकर अगर सही सही हम भगवान की सचमुच से 24 घंटा में 24 घंटा उनकी भजन भक्ति करते हम सन्यासी हम भी बन सकते हैं, हैं हम सन्यासी बन सकते अगर घर में अगर करते तो, अगर नहीं करते तो फिर सन्यासी नहीं। कहते बोले गृहवा बने ते ठाको सदा हरी बोली डाको, हैं सदा हरी बोली डाको। इसलिए जो सचमुच से काय मन वाक्य को दंडित करके अनुक्षण हर समय जो कुछ करते हैं चिंता भावना भगवान के लिए हम कर रहे हैं, उनकी सेवा के लिए हम कर रहे हैं। इसलिए जो अनुक्षण हरि भजन ही प्रकृत सन्यासी, जो हर समय हैं हरि भजन करते हो वास्तव रूप में सन्यासी। हाँ, भक्तगण भोग कामना मुक्ति कामना सहित सन्यास करिया भक्ति के विचरणास करिया भक्तगण भोग कामना मुक्ति कामना सहित। इसलिए कहते ये वास्तव रूप में वही सन्यासी है। वंचाकल दुर्भ्य कृपा सिंधु भय वच पतितानांग पापने भो वैष्णव भो नमो नमो। निताई गौर प्रेमानंद बंद कर दो।